दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व टू सॉल्यूशंस, सब्सटेंसेस नहीं, टू सॉल्यूशंस. पहली कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड ओनली वन सब्सटेंस. सेकेंड काइंड ऑफ जो अभी हमने की कैलकुलेशन, दैट इन्वॉल्व टू सब्सटेंसेस यानी वन सॉल्यूशन. ये वाली कैलकुलेशन जो है इन्वॉल्व टू सॉल्यूशंस, इनको हम टाइट्रेशन कैलकुलेशंस भी कहते हैं. टाइट्रेशन कैलकुलेशंस. मोस्ट यूजली टू सॉल्यूशंस विच आर इन्वॉल्व्ड, दे आर वन ऑफ देम इज बेस एल्कली एंड द अदर इज एसिड. ये एक एल्कली का सॉल्यूशन है, ये एक एसिड का सॉल्यूशन है. Actually, they are reacted together during a titration and form salt. So, this is a neutralization reaction जो कि titration में perform किया जाता है. तो इसके ऊपर भी calculations की जा सकती हैं. कैसे? अगर आप इस base को B से represent करें, acid को A से represent करें, तो इसमें जो चीजें given हैं वो आपके सामने आ जाएंगी. Like concentration of base. Suppose that is given 0.1 mole per decimeter cube. This is given. Or concentration of acid, we want to know it. ये हमने find करनी है. तो volume of base वो खुद बताएगा कि suppose this is 25 centimeter cube. ये वॉल्यूम ऑफ एसिड हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं कि भाई ये को अननोन कंसंट्रेशन का एसिड सॉल्यूशन है. थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं साइड पे ब्रीफ सी कि एक्चुअली टाइट्रेशन में क्या करते हैं. वी टेक अ टाइट्रेशन फ्लास्क, इसके ऊपर एक ब्यूरेट होती है जिसके अंदर वी फिल द ब्यूरेट विद एसिड. स्टैंड के साथ लगाते हैं इसको. तो एसिड इज फिल्ड इन ब्यूरेट. यहां पे अल्कली सॉल्यूशन होता है जिसका हम 25 सेंटीमीटर क्यूब खुद लेते हैं. यहां पे वी ऐड इंडिकेटर और उसके बाद वी स्टार्ट एडिंग द एसिड ऑफ अननोन कंसंट्रेशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू गेट द एंड पॉइंट. जब एंड पॉइंट आता है तो वी नोट द वॉल्यूम. वो वॉल्यूम जो हम नोट करते हैं दैट गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज. सपोज दिस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब. ये वैल्यू जो है ये यहां से ब्यूरेट से आपको मिलती है. देन NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस. रिमेंबर इसको कंफ्यूज मत करिएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एज अपीयर्ड इन द केमिकल इक्वेशन. यानी ये कोई और, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आपने नहीं निकालने. यहां से आपने इक्वेशन देखनी है कि किससे बैलेंस हो रहा है. 1:1. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस जो होंगे 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड भी हो जाएंगे 1. अब इसमें से 6 थिंग्स में से यू आर गिवन 5 थिंग्स. एक चीज आपने कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फाइंड करनी है. तो अप्लाई दिस फॉर्मूला. इस केस में द फॉर्मूला इज CaVa ओवर Na इज इक्वल टू CbVb ओवर Nb. This is called as titration formula. इसमें आपको पता है कि ये सारी चीजें यहां पर गिवन है. Put these values and find the value of Ca. Ca कैसे आप find कर सकते हैं? आप सारी values put करें. Volume of acid was given 20, number of mole 1, concentration 0.1, volume 25, number of moles 1. When you put all these things over there, तो ये बन जाएगा. Concentration of acid will be equal to 0.1 into 25 over 1 और 20 उधर से जाके इधर आ जाएगा. So concentration will be equal to B mole per decimeter cube. तो इस calculation, इस type of calculation में भी actually आपके पास hint ये है कि two solutions are reacting actually. दो solution react कर रहे हैं. उसमें से 6 things जो हैं involve हैं इसके अंदर. तो उन 6 चीजों में से कोई एक चीज भी आपको अगर अननोन है, बाकी 5 चीजें पता हैं, तो आप कोई भी एक चीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं.